अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इफ एक्स टेन स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 3/8 देन फाइंड एक्स। इस वाले इक्वेशन में हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे एक्स टेन स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 3/8। सबसे पहले हम लोग टेन 45, तो टेन 45 का वैल्यू होता है 1, कोसेक 30, कोसेक 30 हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक 30 2/1 यानी 2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये सारी वैल्यू ला के यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 का वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू 1/2 और उसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा एक्स, माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3/8। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, तो एक्स 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस 1 तो माइनस 60 प्लस 1 माइनस 15/4 इज इक्वल टू 3/8। एक्स ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/8 प्लस 15/4, तो एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा दोनों एलसीएम 8 और 4 का 8 हो जाएगा, 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 प्लस 8 में 4 का डिवाइड 2 टाइम में, 2 में 15 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 30, यानी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 33/8। ये रहा आंसर। ओके, थैंक यू।